हेलो, आज हम ये आपका जो PHE 16 है उसमें हम ये टर्म इंड एग्जाम 2020 का कंप्लीट हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। आप चाहो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने पेज नंबर 12, ये टोटल 12 पेज का सॉल्यूशन है जिसमें हमने लास्ट में ये क्वेश्चन दे दिया है। 3 पेज का ये क्वेश्चन इंग्लिश में था और उतने ही पेज का हिंदी में भी था, तो आप ये पेज देख सकते हो। क्वेश्चन के लिए हमने जैसे ये 5 क्वेश्चन है तो 5 में से आपको मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 में 5 करना है, या यहाँ पर ये 2 नंबर 3 नंबर 4 5, तो 2 से लेकर 5 तक में आपको 3-3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2-2 पार्ट टच करना है, लेकिन हमने इसको 100% क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो वो पूरा का पूरा आप देख लोगे आप, क्योंकि ये कोई फाइनल तो है नहीं, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं और देखते हैं हम अपने सॉल्यूशन को कि हमारा सॉल्यूशन क्या कह रहा है। तो हम देखते हैं और इसको आप चाहो तो कम स्पीड में, मतलब कि आप इसका स्पीड कर दो 50%, ये जो 0.5 आप लोग कहते हो वो, और इसका जो आपका रिजोल्यूशन है वो आप कर दो 720, तो 720p पर ही एक्चुअली ये वीडियो डिजाइन है, तो आप इसको उतना कर दोगे तो आपको प्रॉपर, अब देखिए मैं ये सेट कर लिया हूँ, अब ये आपको प्रॉपर ढंग से लिखने में मेरे समझ से ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हमने अपने तरफ से तैयार किया है और आप इस सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो एग्जाम में लिखने के पर्पस से। तो सबसे पहले आपको था निकालना ये शैनन लिमिट ऑफ चैनल कैपेसिटी, तो उसके लिए फार्मूला है और बुक में आपका एक 511 पर शायद निकाला गया है, तो यहाँ पर ये है, हमने वैल्यू लेके ये निकाला है। तो यहाँ पर एक दो स्टूडेंट क्लास में भी पूछ रहे थे तो मैंने उनको बताया था कि ये जो है इसको 2^8 करेंगे तो इतना आएगा, तो बस एक लाइन इसमें समझना है, कैलकुलेशन सब वैसे कैसे रहेगा। आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं, तो ये है आपका शॉर्ट डायपोल एंटीना के लिए, तो ये दोनों कंडीशन इग्नू के बुक में है, तो आपको बुक में है वहीं से हमने लिया है, तो आपको ज़्यादा पलटना नहीं है, प्रॉपर चैनल में बस डायग्राम का प्रैक्टिस करना है, डायग्राम बना देना है। फिर ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बोला, तो एक लाइन अगर लिखना चाहो तो इसके बारे में लिख सकते हो, अगर आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में कुछ पता है तब, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ये आप केवल इसको ओमेगा एम होगा, डब्लू नहीं बोलना है, और ये ओमेगा सी, तो ये दोनों के बीच में एक लाइन अगर लिखना चाहो इसका मतलब केवल फुल फॉर्म भी लिख दो और ये बस बना दो, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बना देना है। उसके बाद आपका ये है ग्रुप सेलेक्टर का क्वेश्चन, तो ये 8 डिजिट के लिए हमारे जो इग्नू का बुक है उसमें दिया हुआ है, तो 8 डिजिट के लिए है और जो 5 के लिए है वो एग्जाम्पल में एक डायग्राम बना के बनाया हुआ है, तो उसमें -2 हो जाता है, तो जैसे 7 है तो 7 -2, तो 5 ग्रुप सेलेक्टर का हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा। आगे आते हैं तो ये देखते हैं हमारा क्या है, डिफरेंस करना है, तो ये डिफरेंस कम मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का है, इस तरह से आप लिख सकते हो, 2 बोला है हमने 3 कर दिया है, आप 2 लिख दो 3 लिख दो जितना आपको अच्छा लगे, है ही कम। आगे आते हैं तो आगे आपको है क्या, ये है आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन है और यहाँ पर ये है आपको मोड जो हमारा वेब सिग्नल के लिए काम करता है ऑप्टिकल सिग्नल के लिए वो मोड, तो ये मोड के बारे में आप ये 3 पॉइंट में है कि फाइबर जो होता है वो डिपेंड किस पर करता है। उसके बाद ये कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर से है, तो उसमें ये गेटवे यूज जो होता है हार्डवेयर में किस लिए होता है, तो गेटवे क्या करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का जो लिंकेज वाला काम होता है प्रोटोकॉल ऑपरेटेड काम वो, तो ये प्रॉपर चैनल में आंसर है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है लेकिन करना है 2 पार्ट, तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये है कि आपका पैरामीटर्स जो है वो सिग्नल के लिए, तो कितना 5 पैरामीटर बोला है लिखने के लिए, 5 पैरामीटर और किसके लिए, तो क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप ये पैरामीटर छोटा छोटा लिखा गया है, कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट ये छोटा सा है, फिर कोडेड, फिर आपका ये डायमेंशनली बेस्ड क्लासिफिकेशन, फिर आपका पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स,
तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल डिटर, तो ये हमने टोटल 6 लिया है, आपको 5 लिखना है, 5 ही लिखिए। और अगर किन्हीं को लिखने में, मान लीजिए इससे दिखने में वीडियो से देख के लिखने में प्रॉब्लम होगा, तो आप व्हाट्सएप कर देना, इसका पीडीएफ में हमारे पास है, हम आपको वो दे देंगे। उसके बाद ये आपका आया 5 स्टेट द 5 कॉमन सोर्स ऑफ नॉइस, तो मतलब नॉइस के लिए क्या है और उसको रिड्यूस करने का हार्डवेयर में क्या टेक्निक्स है। तो नॉइस का जो पहले आप नॉइस के बारे में अगर है तब, अगर आपको मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है तब, और जिनको पास करना है तो वो बस एक लाइन यहाँ से डाल दो और सीधे लिखो, क्योंकि पास वाले को ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होता है, और जिनको अच्छा मार्क्स चाहिए तो वो जैसे इंटरनल नॉइस क्या होता है, एक्सटर्नल, ये सब प्रॉपर चैनल में आप लिख दो। उसके बाद जो है नॉइस का हमने थर्मल नॉइस, डिवाइस नॉइस, क्वांटाइजेशन नॉइस, ये प्लाज्मा जनरेटेड नॉइस और फैडिंग, तो ये हेड पॉइंट हुआ। और यही जो हमारा 5 कॉमन सोर्स पूछा कि कहाँ से भाई नॉइस पैदा लेता है, तो नॉइस यहीं से पैदा लेता है और वही नॉइस आपको बताना है। उसके बाद उसका हार्डवेयर टेक्निक जो होता है वही SNRI होता है, ठीक है, तो इससे हम लोग नॉइस को जो होता है कम करते हैं हार्डवेयर से। तो उसके लिए ये नॉइस का एक ये SNR इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स है, और इसमें आपको ये इक्वेशन, ये हमने डिटेल इसलिए कर दिया है कि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछा गया है 5 नंबर में, तो उसमें भी ये काम कर जाएगा। ऐसे इसमें थोड़ा सा छोटा करके डायग्राम वगैरह बना के आप आराम से निकल सकते हो। और ये जो है जैसे लेस पेपर के लिए हमने ये क्या किया है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो ऑप्टोकपल और ये क्लैंपर फॉर एम्पलीट्यूड फिल्टरिंग, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं, आपका जो है ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तो कहता है फॉर द ट्रांसमिशन एंड, तो ये इसमें लोड इम्पीडेंस निकालना है और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो इसके लिए ये प्यारा सा डायग्राम आपको आपके बुक से ही है, आपने देखा होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा शॉर्ट करके इस तरह से लिख दीजिए क्या क्या कंडीशन बनता है, फिर ये जो आपका वोल्टेज करंट है उसके बारे में बता दीजिए, उसके बाद आप रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का इक्वेशन लिख लीजिए, ये आपका गामा फंक्शन हुआ, गामा इसको कहते हैं, और गामा लेके और ये आप इसको बना दीजिए। इसमें इक्वेशन हमने बहुत कम किया है, लेकिन सब बुक से इक्वेशन हमने लिया है, तो कम नहीं है, काम हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, बस प्रॉपर चैनल में लिखना है। और एक इक्वेशन ये जो है इक्वेशन 2 हमने दिया है, ये एक्चुअली बहुत ऊपर है बुक में, तो इसको हमने इक्वेशन 2 दिया है, उसको आप प्रॉपर लिख के और इक्वेशन 2 लिख के इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, उसके बाद इसका वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे गामा का वैल्यू, तो ये प्रॉपर चैनल में है, जो पढ़े होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी है आपको 3 क्वेश्चन है, 2 पार्ट अटेम्प्ट करना है, तो हमने सब कर दिया है। अब कोई बच्चा को मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ किसी को मैथमेटिकल पोर्शन में इंटरेस्ट रहता है, किसी को थ्योरेटिकल में, तो आप देख लो कि आपको कौन सा, मतलब आपको इक्वेशन वगैरह डेरिवेशन वगैरह अच्छा समझ में आता है, या आपको थ्योरी जो है वो लिखना आता है, डायग्राम तो आपको बनाना है क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम के बिना, तो आप देख लो उसी से सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपका ये FM सिग्नल रिसीवर है, और उसमें जो FM डिमोडुलेशन टेक्निक्स के बारे में है, और उसके लिए कौन सा टेक्निक्स हम यूज करेंगे, तो सिंगल स्लोप डिटेक्टर यूज होता है, ये सिंगल स्लोप डिटेक्टर का फिगर है, ठीक है। उसके बाद आपका है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन SK एंड FSK, मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के लिए, और विद डायग्राम है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम में थोड़ा टाइम लेगा, तो इस टाइप से आप लिखिए नहीं, और ये थोड़ा सा अच्छा से खींच दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम प्रॉपर चैनल में यहाँ तक बना दीजिए। उसके बाद कहता है हाउ इज ए कॉल एस्टेब्लिस्टेड इन ए मोबाइल टेलीफोनी, हाउ अनडिक्टेड, तो ये हो गया मोबाइल टेलीफोनी से क्वेश्चन, इसको भी आप प्रॉपर चैनल में लिख सकते हो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा है। और फिर आप ये सेलुलर मोबाइल के बारे में, ये आपके बुक से ही है, तो इसको प्रॉपर लिख सकते हो, थ्योरी है इसमें क्या। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है कि आपको 3 पार्ट में 2 पार्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ के देख के एक बार समझ लो, तो आपको डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस अंदर में किया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो ये डिफरेंस का लाइन ही है, ये जो है इसको आप डिफरेंस ही कह सकते हो,
तो आप मान लीजिए कि डिफरेंस जैसे हुआ तो आप को डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को प्रॉपर, क्योंकि इसमें डायग्राम भी बोला है, तो आपको ढाई ढाई नंबर के लिए दो क्वेश्चन है, तो आप इतना इतना लिख दोगे, डिफरेंस अंदर किया हुआ है प्रॉपर करके लिख दो। उसके बाद कहता है कि इंटरफेसिंग एंड स्कैनिंग, तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के बुक में क्वेश्चन अच्छा से है, वैसे आप में भी है, उसी से हमने लिया है, और इसमें इंटरलेसिंग का डिफिनीशन है, फिर स्कैनिंग और रास्टरिंग भी इसमें हमने बताया है, और इंटरलेसिंग भी हमने बताया है, तो ये दोनों आप देख लोगे। उसके बाद जो जो इसका डायग्राम है वो डायग्राम आप वो कर दीजिए, उसके बाद आपका ये आ गया। एक न्यूमेरिकल है जिसमें है कि ये सिलिका फाइबर के लिए है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, ये न्यूमेरिकल दो तीन बार और आपके ऑप्टिक्स में भी ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छा से तैयार कर लोगे। फिर आपका आगे आता है जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी दो पार्ट है करना है और तीन पार्ट में क्वेश्चन है, तो ये तो थ्योरेटिकल है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आप प्रॉपर बनाइए, ये जिसे है इसको आप चाहो तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसको यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिए और फिर इसके नीचे ये सब लिख दीजिए, तो ये आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आपका इथरनेट एंड टोकन रिंग के बारे में है, तो ये भी इसके लिए बना दीजिए, प्रॉपर लिखिए। और फिर ये जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ था, फ्रेम फॉर्मेट एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, तो ये भी आप लिख सकते हो प्रॉपर, उस ऐसे करके मैं रोक देता हूँ। आगे आपका है ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, तो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में आप ये लाइन सबके लिए नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से। ये तो हमने दे दिया कि कोई कोई एक्सलेंट बच्चा होता है जो ज़्यादा याद करना या ज़्यादा पढ़ना, तो उसके लिए सही है। उसके बाद ये इसका डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद आपका है प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस, तो मतलब ये हो गया, और बस यही आपका पूरा का पूरा पेपर हो गया। इतना ही आपको तैयार करना है, एक पेपर में और डाल दूंगा और आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।